रवि और सुरेश दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों बचपन से एक ही गांव में पले बढ़े थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। रवि गरीब परिवार से था जबकि सुरेश का परिवार थोड़ा संपन्न था, लेकिन कभी भी दोनों के बीच पैसे की स्थिति की बात नहीं आई। दोनों का सपना था कि बड़े होकर एक सफल व्यवसायी बने और अपने गांव का नाम रोशन करें। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही दोनों ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। रवि ने कड़ी मेहनत से एक छोटी सी नौकरी पाई और धीरे धीरे पैसे जोड़कर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। दूसरी ओर सुरेश के पिता ने उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया। सुरेश के पास पहले से ही संसाधन थे, इसलिए उसे व्यापार में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। वह अक्सर रवि से कहता, मेरे पास सब कुछ है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। रवि हर दिन अपनी मेहनत से अपने छोटे से व्यापार को बढ़ाता चला गया। वह देर रात तक काम करता, नए ग्राहकों से मिलता और नए विचारों पर काम करता। सुरेश के पास व्यापार के लिए पैसा और संसाधन तो थे, लेकिन उसकी लापरवाही और आलस्य के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे गिरता गया। उसे यह लगने लगा था कि सब कुछ उसके नसीब पर निर्भर है और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सालों बाद गांव में दोनों की चर्चा होने लगी। रवि का नाम अब एक सफल व्यापारी के रूप में जाना जाता था। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने व्यापार को बहुत बड़ा बना लिया था। वह गांव के नौजवानों के लिए प्रेरणा बन चुका था। वहीं सुरेश का व्यापार बंद होने के कगार पर था। उसने अपने पिता के द्वारा दिए गए संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया और अब उसे अपनी स्थिति पर अफसोस हो रहा था। एक दिन सुरेश ने रवि से मुलाकात की और कहा, यार लगता है मेरा नसीब ही खराब है, मैंने तो सब कुछ खो दिया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नसीब अपना अपना नहीं होता दोस्त, नसीब को मेहनत से बदल सकते हैं। मैंने भी उसी हालात से शुरुआत की थी जैसे तुमने की थी। फर्क सिर्फ यह था कि मैंने मेहनत को अपना नसीब माना और तूने अपने नसीब पर भरोसा। सुरेश को अब समझ आ चुका था कि नसीब से ज्यादा मेहनत और लगन का महत्व होता है। ऐसी ही मजेदार कार्टून स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक को सब्सक्राइब कीजिए।